हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 9 का अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है निर्धनता की चुनौती। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा होगा। सेम वीडियो आपको इंग्लिश के नोट्स के साथ मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो। और एक और बात यार, ये वीडियो का पार्ट सेकेंड है, इस चैप्टर का पार्ट सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा होगा, तो पहले वो जाकर देखो। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सेकेंड पार्ट समझने में दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने ज़्यादातर जो डेफिनेशंस हैं और ज़्यादातर जो कवर करवा दिया है। इस पार्ट में हम सारे के सारे ग्राफ्स वगैरह समझेंगे और भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर निर्धनता रेखा के क्या अनुमान बताए गए हैं और क्या ग्राफ्स वगैरह हैं वो देखेंगे। तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर आप फर्स्ट पार्ट देख कर आए हो तो। ये बताओ यार कि इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने जो निर्धनता रेखा है वो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बताई है, कितना लगाई है। तो सबसे पहले तो वो कमेंट करके आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड चलो आके चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो निर्धनता एक अनुमान है। अब हम पढ़ चुके हैं निर्धनता क्या होता है, वैश्विक निर्धनता क्या होता है। अब हम देखेंगे कि निर्धनता कितनी है भारत के अंदर। तो ये जो अर्थशास्त्र सर्वे लिया है 2011-12 का, वित्त मंत्रालय से भारत सरकार का, निर्धनता देखो 1973 में 55% थी, अब 2009-2010 में ये 30% रह गई है। ये वो रेशो दे रखा है, 1994 में 36% थी, फिर और कम हो गई है ना। तो एक बार मैं इसकी तालिका 3.1 से समझा देता हूँ, जिससे आपको अच्छा समझ आए। हाँ जी, तो ये रही तालिका। देखो 1993 और 1994 के बीच के अगर आप देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 56.4% निर्धनता थी और शहरी क्षेत्रों में 49% निर्धनता थी, और टोटल इनका योग 50 मतलब लगभग दोनों को मिलाकर 54.9% था। और अगर लोगों की बात करी जाए तो 26.1 करोड़ लोग गरीब थे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 6 करोड़ लोग। गरीबी गिर गई है 1993-94 में, तो वो कितने हो गए, 56% से 37% रह गई, 49 से 32% रह गई, और 54% से सिर्फ 36% रह गई। और 1999 से 2000, ये 2000 है, 00 2000 है, तो इन सालों में ये 37% से 27%, ऑलमोस्ट 10% गिर गई, 32% से 23% रह गई, 9% गिर गई ऑलमोस्ट। और अगर हम बात करें 36% से इनके कुल योग का 26%, तो आप देख सकते हो कि भारत के अंदर जो निर्धनता का अनुमान है वो गिरा ही है, यानी निर्धनता गिरी है, यानी ये अच्छी बात है कि हमारे देश में निर्धनता गिरी है, ठीक है। तो अगर आपको आए कि भारत में निर्धनता का क्या अनुमान है, तो आपको लिखना है कि समय के साथ साथ भारत के अंदर जो है निर्धनता गिरी है, पहले 56% थी ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर, 93-94 में 37% रह गई, और 1999 से 2000 के बीच में 27.1% रह गई। वैसे आपको शहरों का लिखना है, ठीक है, अगर संख्या लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बट अगर आपको परसेंटेज ही लिखना तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका असुरक्षित समुदाय, असुरक्षित समूह। तो यार लास्ट पार्ट में हम देख चुके थे कि असुरक्षित समुदाय क्या होते हैं, असुरक्षित समूह क्या होते हैं। जो असुरक्षित होते हैं वो लोग जिनको दूसरे से ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बाढ़ का कि सबके घर में बाढ़ आई है, बट कुछ लोग होते हैं जो उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनसे कम प्रभावित होते हैं। जैसे बाढ़ में सबके घर टूटे होंगे, बट कुछ लोग अपना घर दोबारा बना पाते हैं, कुछ लोग नहीं बना पाते, जो नहीं बना पाते वो असुरक्षित होते हैं। तो भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों की निर्धनता का अनुपात भी समान नहीं है। अगर हम सामाजिक समूह के बारे में बात करें तो भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा गरीब मानी जाती है, निर्धनता और असुरक्षित समुदाय माना जाता है उनको, समूह माना जाता है, ठीक है। और आर्थिक समूह की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण कृषक श्रमिक परिवार होते हैं ना, जो ग्रामीण कृषि के श्रमिक होते हैं, ठीक है, खेती वेती में जो मदद करते हैं वो, और नगर में अनियमित मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो उनमें रखे गए हैं, क्या कहते हैं, असुरक्षित समूह में, ठीक है। तो वैसे ही इनके अलावा भी कुछ और है, जैसे महिलाएँ, वृद्ध लोग और बच्चियाँ, बच्चे जो होते हैं, बच्चों में भी जो लड़कियां होती हैं, बच्चियों होती है 5 साल से कम, वो ज़्यादातर असुरक्षित समुदाय में आती है, असुरक्षित समूह में आती है, ठीक है। तो एक बार मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूँ 3.1, जिससे आपको सारा समझ आ जाए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं।
हाँ जी, देखिए अनुसूचित जनजाति 51.100% अनुसूचित जनजाति में से 51% अनुसूचित जनजातियाँ, ये 2002 का डेट, 2000 का डेटा है, वो निर्धनता रेखा के नीचे आता है। जो नगरीय अनियमित मजदूर है, यानी जो नगर में काम करते हैं दिहाड़ी मजदूर, वो भी 50% से ज़्यादा निर्धनता के अंदर आते हैं। ग्रामीण खेतिहार जो मजदूर है वो 47%, और अनुसूचित जातियाँ जो SC आती है, ये ST है, ये SC है, वो 43% गरीब या निर्धनता में आती है। ठीक है, ये ओवरऑल है, मतलब एवरेज दे रखा है, औसत दे रखा है, बट ये चार है, ये अनुसूचित जनजाति और ये अनुसूचित जाति, ये दोनों सामाजिक समूह के मतलब सामाजिक समूह के अनुसार गरीब है, और ये दोनों की दोनों आर्थिक आर्थिक समूह है जो गरीब है। ठीक है, चलो जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर राज्य असमानताएं। देखो, आपको पता ही है कि पूरे जो भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि सारी जगह सेम गरीबी है। किसी किसी राज्य में ज़्यादा गरीबी है, किसी किसी राज्य में कम गरीबी है। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोग का अनुपात समान नहीं है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। बिहार और उड़ीसा में है ना ज़्यादा गरीबी है, ठीक है, और बाकी राज्य में भी गरीबी है, बट उन्होंने गरीबी कम करने के लिए कुछ उपाय करे हैं। बट उससे पहले मैं आपको तालिका 3.2 दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप इस तालिका में देख सकते हो, उड़ीसा के अंदर 47.2% गरीबी है, जो कि बहुत ज़्यादा, और बिहार के अंदर भी 42.6% गरीबी है, बहुत ज़्यादा है। बट बाकी और सबके अंदर अलग अलग है, आप देख सकते हो। बट कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गरीबी कम करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो उसमें से देखो पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, केरल हो गया, ठीक है, और मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, तो उन्होंने, पश्चिम बंगाल की, तो उन्होंने गरीबी कम करने के लिए बहुत सारे काम करे हैं। वो काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा और पंजाब के अंदर माना जाता है जो गरीबी कम हुई है, उसका सबसे मेन कारण माना जाता है हरित क्रांति को, जो कृषि के ऊपर ज़्यादा दबाव दिया था गवर्नमेंट ने, और कृषि को अच्छा करने के लिए जो स्टेप लिए गए थे, इसकी वजह से माना जाता है कि लोगों को रोजगार मिला था और लोग गरीबी से बाहर निकले थे। केरल के अंदर माना जाता है कि गरीबी इसलिए कम है क्योंकि उन्होंने अपना ज़्यादातर पैसा मानव संसाधन विकास में लगाया है, जो कि एक अच्छी बात है, मानव संसाधन विकास में लगाया है, जिसमें लोगों को पढ़ाया जाता है और उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाता है और एक पढ़ा लिखा बनाया जाता है, जिससे वो गरीबी से बाहर निकल सके, जॉब कर सके और गरीबी से बाहर निकल सके। पश्चिम बंगाल में माना जाता है भूमि सुधार उपाय, आपको पता ही है, मैंने शायद नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़ोगे कि मतलब भारत के अंदर सबसे पूरा जो सूखा पड़ा था वो 1943 में पड़ा था, उसके बाद थोड़े भूमि का सुधार किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में जो लोग थे वो अब थोड़े से गरीबी कम होने में सहायक हुई, मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर गरीबी थोड़ी गिरी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने समाज में अनाज का वितरण बहुत अच्छी तरीके से किया। आपको पता ही है, राशन वगैरह की शॉप होती है, उस वो अनाज थोड़े कम दामों पर देती है, तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो कम दामों पे देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर गरीबी कम हुई है। इसके बारे में, सार्वजनिक वितरण के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो चलो आके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। देखो, आप ये क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तो देख चुके हैं, पूरे विश्व के अंदर बात करते हैं कि पूरे विश्व के अंदर जो देश है सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, और गरीबी घटने क्या घटी है पूरे विश्व के अंदर या बढ़ी है। हमारे देश के अंदर तो गरीबी घटी है, बट क्या बाकी देश के अंदर भी ऐसा हुआ है, तो आइए देखते हैं। विश्व बैंक ने, मैंने आपको बताया था, पहले तो कमेंट करके ये बताओ आप कि विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा क्या बताई थी, वो पहले कमेंट करके बताओ मेरे को कि विश्व बैंक ने कितनी कितने कितने डॉलर निर्धनता रेखा को निर्धारित किया था। चलो आगे, विश्व बैंक के अनुसार जो निर्धनता है वो 1990 में 28% थी और 2001 में 21% रह गई, मतलब निर्धनता गिरी है, पूरे विश्व में निर्धनता गिरी है। बट अगर चाइना की बात करूँ ना मैं, चाइना, चीन की और दक्षिण पूर्व एशिया देश, जिसमें हम भी आते हैं, वो गरीबी से उभर पाए हैं। उसका मेन कारण क्या है, जो तीव्र आर्थिक गति प्रगति, मतलब बहुत ही अच्छे से आर्थिक प्रगति हुई है, और बड़े बढ़िया बढ़िया दूसरे कंट्रियों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। मानव संसाधन विकास, यानी लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उनको पढ़ाया लिखाया गया, आर्थिक विकास करा गया है, और निवेश करा था दूसरी कंट्रियों ने चीन के अंदर और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अंदर, जिसकी वजह से निर्धनता में एक विशेष कमी आई है। ठीक है, अगर चीन की बात करूँ तो निर्धनता 1981 में 60.6 करोड़ लोग
करीब थे, और 2001 में सिर्फ 21.8% नहीं है, ये लोगों की संख्या है, करोड़ लोग गरीब रह गए। मतलब देखो कितनी ज़्यादा गरीबी गिरी है चाइना के अंदर बात करें तो। ऐसा नहीं है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर गरीबी गिरी है, बट उतनी तेज़ी से नहीं जितनी चीन के अंदर गिरी है। जैसे मैं आपको अभी ग्राफ भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलो पहले ग्राफ ही दिखा देता हूँ आपको। देखो ये वर्ष है, ये नीचे 81, 90, 2000, ये वर्ष है और ये प्रतिशत है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो नीचे गिरता हुआ ग्राफ दिख रहा होगा ना, ये निर्धनता का ग्राफ है, वो चीन का ही है। देखो कितना गरीबी घटी है, और पूर्वी एशियाई देशों में इनमें भी गरीबी घटी है, बट चाइना में ज़्यादा ज़्यादा गरीबी थी, और ज़्यादा लोग अब देखो ये गैप कम हो गया। मतलब चाइना के अंदर, चीन के अंदर गरीबी बहुत कम हुई है, पूर्वी एशियाई देशों के बीच में भी कम हुई है। ये लैटिन अमेरिका है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अंदर देखो गरीबी उतनी की उतनी रही है, कम नहीं हुई है, बट एक देश ऐसा है जिसके अंदर गरीबी बढ़ गई, वो है सब सहारा अफ्रीका। देखो गरीबी पहले इतनी थी, फिर थोड़ी बढ़ती गई, ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, है ना? तो अभी देखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। ओके, तो देखो सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता 41% से 46% हो गई। जैसे मैंने बताया था कि ग्राफ था जो बढ़ रहा था सब सहारा का, तो यानी प्रतिशत गरीबी का वहाँ पर बढ़ गया, लोग गरीब ज़्यादा हो गए हैं वहाँ। रूस की बात करें तो, रूस या पूर्व समाजवादी देशों की बात करें तो, वहाँ पर पहले गरीबी नहीं थी, बट अब गरीबी आ गई है। निर्धनता रूस में, पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता ही नहीं थी, मतलब कोई निर्धनता नहीं थी, बट अब निर्धनता आ गई है, ठीक है? अब देखो भारत के अंदर जो निर्धनता है ना, वो जो विश्व बैंक है वो बोलता है कि यार तुम्हारे देश में जितने तुम बता रहे हो ना, उससे ज़्यादा गरीब हैं। और भारत के अंदर जब गवर्नमेंट कहती है, भारत सरकार कहती है, वो कम दिखाती है, ऐसा क्यों है? तो ये भी मेरे को कमेंट करके बताओ, बट मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ कि देखो भारत के अंदर जो निर्धनता रेखा है वो बहुत कम है, 32 रुपये और 47 रुपये, और जो विश्व बैंक के उसके अनुसार होना चाहिए था ऑलमोस्ट 1.9 डॉलर, यानी 150 रुपये। इसकी इसकी वजह से जो विश्व बैंक के उसके अनुसार भारत के अंदर ज़्यादा गरीब है, बट भारत की सरकार कहती है नहीं जी कम गरीब है, ठीक है? एक बार मैं ग्राफ दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ देश हैं, नाइजीरिया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो गरीबी का देख सकते हो, नाइजीरिया में 70%, 70% से ज़्यादा गरीबी है ना? तो देखो एक और बात यार, आपकी बुक में थोड़ा अलग हो सकता है, मेरी बुक थोड़ी अलग है, मतलब डेटा वगैरह अलग हो सकता है, तो टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है? डेटा चलता है यार, बट याद रखनी है किसी किसी देश में ज़्यादा गरीबी बढ़ी है, ऐसे एक ही है। सब सहारा देशों की बात करी जाए तो वहाँ पर गरीबी बढ़ी है, बाकी सब देशों में गरीबी घटी है, चीन में सबसे ज़्यादा गरीबी घटी है, ठीक है? ओके यार, अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। मेरे को भी पता चले कि यार मैं सही बना रहा हूँ वीडियो, आपको समझ आ रहा है, ठीक है? एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।